हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE, एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश। स्वागत है आपका इस चैनल पर ECLE के। और आज मैं आपके कम से कम 15 से 20 दिन बाद मैं आपके बीच में आया हूँ ECLE के साथ वीडियो में। और एक्चुअली आई वाज वेरी बिजी 100 टाइम दी 15 से 20 दिन, और बिना बताए एकदम से मैं गायब हो गया। चैनल भी बंद हो गया, मतलब चैनल की जो वीडियोस हैं वो भी, उसकी आना भी बंद हो गई और बहुत सारी दिक्कतें हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा आई शुड स्टार्ट टू द फिर से हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करते हैं। और हमने पिछली क्लास में जो मैंने 8 तारीख की जो क्लास की थी वो शुड की क्लास थी, उसकी प्रैक्टिस थी। आज हम शुड भी पढ़ेंगे। और इफ़ यू टॉक अबाउट द स्पोकन पर्पज, शुड बी इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू एंड आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते आज की क्लास को। आज बहुत दिन बाद वीडियो बना, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा अलग सा लग रहा है आपको भी। जब वीडियो आएगा तो थोड़ा सा अलग लगेगा हो सकता है, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हो सकता है थोड़ा सा फर्क हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो हम वॉकअप वगैरह किया करते थे पिछले टाइम, मतलब वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आई एम मेकिंग वीडियो सडनली, अचानक से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट मैंने सोचा आई शुड स्टार्ट टू द मेकिंग द वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा गैप आ गया है। और चैनल के लिए इफ़ यू टॉक अबाउट द चैनल पर्पस के लिए अगर हम बात करें कि प्रोग्रेस है, तो प्रोग्रेस पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि अगर 15-16 दिन का इफेक्ट हो जाए तो यूट्यूब भी जो वीडियोस रहती हैं वो भी डाउन हो जाती हैं और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू आ सकूँ, और मैं कोशिश करूँगा अगर मैं व्यस्त होता हूँ और कहीं भी, तो जो टीम है ECLE की वो भी मैं एकाध व्यक्ति को या जो भी व्यक्ति, मतलब जो भी इंटरेस्टेड है उसको मैं हायर कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट आपको जो लर्निंग की वीडियोस है वो आती रहेंगी, हो सकता है बोर्ड पर ना आए PDF के थ्रू, लेकिन आप, मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी प्रकार से आप ये वीडियोस का काम, ये मतलब जो लर्निंग है वो आपकी नहीं रुकनी चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपकी वीडियोस में भी आएगी और PDF के तौर पर भी आएगी। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट की क्लास को। तो हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शुड बी। क्या पढ़ेंगे? शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर बनना चाहिए। सिंपल है, क्या है? होना चाहिए या फिर बनना चाहिए। क्या किस में होता है? शुड बी में होता है। सो आई थिंक ये आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने देखा नहीं लास्ट टाइम क्या पढ़ा है, लेकिन शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर बनना चाहिए। किस में? शुड बी में होता है। तो लिख लो भैया, क्या है? होना चाहिए, बनना चाहिए या होना चाहिए। बनना या होना का सेंस आएगा या भाव आएगा चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं उसे डॉक्टर होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, बच्चों को ज्ञानवान होना चाहिए, देश विकसित होना चाहिए, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके, तो बनना चाहिए या होना चाहिए का सेंस आएगा। तो हम सेंटेंस लिखते हैं बिना टाइम वेस्ट के सेंटेंस, जैसे हम लिखते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे उसे ईमानदार होना चाहिए। मैं हर बार की तरह यूज़ करता हूँ, उसे ईमानदार होना चाहिए, शायद इससे ये वो नहीं आ रहा, उतना इफेक्टिव नहीं है ये पेन। उसे ईमानदार होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं तुम्हें जागरूक होना चाहिए, तुम्हें जागरूक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। और हम बोल सकते हैं बच्चों को शिक्षित होना चाहिए, बच्चों को शिक्षित होना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। सो ऐसे हम बना सकते हैं होना चाहिए या बनना चाहिए। आपको भी इसके बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, एग्जांपल के तौर पर बनाया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर पर जाते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, जो शुड बी का मैं बता रहा हूँ, आप एक बार देख लोगे ध्यान से, आप आसानी से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। शुड बी में देखो क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आता है, प्लस शुड आ गया, प्लस बी, प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। ओके, नेगेटिव जाते हैं, लाइट चले गई है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट, शुड के बाद क्या लगाते हैं हम, नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ऐसा हो जाएगा। ओके, इंटरोगेटिव में लेते हैं शुड प्लस
सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ओके। फिर हम लेते हैं शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ओके। ये फोर्थ वाला स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे हम क्वेश्चन वर्ड लेते हैं क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, ओके। ऐसे क्वेश्चन वर्ड शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ये जो फाइव स्ट्रक्चर्स हैं, सिक्स स्ट्रक्चर्स हैं, मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ बहुत सारे। तो अगर आप एक सेंटेंस आप बनाओगे तो उसके हम कई प्रकार के से सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो आई होप इतने दिन का गैप हो गया होगा, तो हो सकता है आप लोगों ने प्रैक्टिस भी नहीं की है। तो मेरा अनुरोध है कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ओके, फिर से, क्योंकि एक तो अब मैं ही इरेगुलर हूँ तो दिक्कत तो होगी ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट जो आप अगर स्टार्ट कर रहे हो फिर से ECLE के, मतलब जो प्रैक्टिस, तो उसको नहीं भूलना, ओके। तो हम क्या करते हैं, अब हम सेंटेंस बनाना शुरुआत करते हैं। उससे ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें जागरूक होना चाहिए, बच्चों को शिक्षित होना चाहिए, या फिर हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए या बनना चाहिए। टाइम वेस्ट किए तो क्या है, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। यहीं से बना दो, क्या है, बी शुड बी सेल्फ डिपेंड, बी शुड बी सेल्फ डिपेंड। सेल्फ डिपेंड का मतलब होता है आत्मनिर्भर, ओके। हम बना सकते हैं, हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप पर बनना चाहिए, ठीक है। क्या आएगा, बी शुड नॉट बी सेल्फ डिपेंड, बी शुड नॉट बी सेल्फ डिपेंड। क्या हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्या हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्या हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्या आएगा, शुड वी बी सेल्फ डिपेंड, क्या हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, क्या हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्या आएगा, should not be self-dependent, should not be self-dependent, should not, ये तो WB self-dependent, ओके। हमें आत्मनिर्भर कैसे होना चाहिए, बोल तो दिया आत्मनिर्भर का नारा तो दे दिया, हमें आत्मनिर्भर कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ओके। तो क्या आएगा, हाउ should be self-dependent, how should be, एक मिनट, हाँ, how should be self-dependent, how should be self-dependent, ओके। हमें आत्मनिर्भर कैसे नहीं होना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर कैसे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ओके। क्या आएगा, हाउ शुड बी नॉट बी सेल्फ डिपेंड, क्या आएगा, सेल्फ डिपेंड, ओके। इस प्रकार हम सेंटेंस को बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये क्लास थोड़ी सी अजीब लगी हो, क्योंकि मैं भी बहुत दिन बाद बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर से वही लाइव में, उसी लाइव के साथ, उसी जुनून के साथ आपकी क्लास कंटिन्यू होगी, ओके। तो आज की क्लास हमने शुड बी सीखा है, ओके। शुड बी हमें सेंटेंस कैसे बनाया एक बार देख लो, ओके। तो शुड बी का मतलब होता है बनना चाहिए या होना चाहिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे हमें बनाया, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो हमें जागरूक होना चाहिए, बच्चों को शिक्षित होना चाहिए, उसे ईमानदार होना चाहिए, देश ज्ञानवान होना चाहिए, हम बोल सकते हैं बनना चाहिए, होना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे उदाहरण हैं, हम बना सकते हैं, ओके। हम सब्जेक्ट और स्ट्रक्चर हमने देखा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव,
नेगेटिव बनाओ सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। फिर फोर्थ वाला का शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। ओके क्वेश्चन वर्ड देखो, क्वेश्चन वर्ड शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। ओके क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। इस प्रकार की क्या स्ट्रक्चर्स हैं और सेंटेंस मैंने आपको बनाने बताया कैसे बनाए हैं। हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, वी शुड बी सेल्फ डिपेंड। हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी सेल्फ डिपेंड। क्या हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, शुड बी सेल्फ डिपेंड। क्या हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, शायद मैं भूल गया हूँ, शुड बी नॉट बी सेल्फ डिपेंड। ओके हमें आत्मनिर्भर कैसा होना चाहिए, हाउ शुड बी सेल्फ डिपेंड। हमें आत्मनिर्भर कैसा नहीं होना चाहिए, हाउ शुड नॉट बी सेल्फ डिपेंड। ओके यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है मेरे से, तो यहाँ बी लगा दो। ओके यहाँ नॉट लगा दो। ओके तो इस प्रकार की मैंने प्रैक्टिस की है। ओके और मैंने सेंटेंस बनाने सका है। आपको क्लास कैसे लगी, यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू एंड दिस वीडियो कैन बी यूजफुल फॉर योर द फॉर द स्पोकन लर्निंग इंग्लिश। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन एंड वी शैल मीट अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।